हाँ जी, जय हिंद दोस्तों, कैसे हो सबके सब। जैसे आपने थंबनेल और टाइटल में देखा, आज हम सीखेंगे कि अब कोई भी राष्ट्रीय गीत जन गण मन बजा लेगा इस वीडियो के थ्रू। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि आप जो जन गण मन राष्ट्रीय गान है उसको आसानी से अपने मोबाइल पियानो, अपने पियानो, अपने हारमोनियम के ऊपर किस तरीके से प्ले कर सकते हो इस वीडियो के थ्रू। आसान से आसान तरीका बताने की कोशिश करूंगा जिससे जिन्हें पियानो की ज़्यादा समझ नहीं है वो भी इस वीडियो के थ्रू आसानी से बजा सके, और इन शॉर्ट मतलब कभी वो भूले भी ना इस जो राष्ट्रीय गान है इसको कि प्ले करना। अलग अलग मैं आपको भाग करके अलग अलग मतलब एक एक पार्ट धीरे धीरे प्ले करके फिर धीरे धीरे सिखाता जाऊंगा पूरे वीडियो में। वीडियो को एंड तक देखना, जरूर से जरूर आपके लिए वीडियो फायदेमंद रहेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हारमोनियम हम धुन इसमें यूज करेंगे। और मैं सबसे पहले धीरे धीरे आपको प्ले करके बताऊंगा, फिर धीरे धीरे आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने की कोशिश करूंगा जैसे मैंने आपको बताया। पहली काली से हम राष्ट्रीय गान को बजाना शुरू करेंगे। ओके, तो किस तरह, पहले मैं थोड़ा, अगर आप राष्ट्रीय धुन को पूरे को एक साथ प्ले करो तो आप में अंदर ही बहुत ही अंदर आपका मतलब मोटिवेशन बहुत भर के आएगा और फीलिंग एकदम अमेजिंग होगी जो आपको मैं बता नहीं सकता। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया स्टेप बाय स्टेप, मैं आपको एक एक पार्ट बताता जाऊंगा, धीरे धीरे वन फिंगर से आपको सिखाता जाऊंगा पूरे वीडियो में। होप आप इसको आसानी से सीख सको जब तक वीडियो पूरा हो जाए। ठीक है, वीडियो मतलब जो भी 10-11 मिनट का वीडियो उस वो आपके लिए यूजफुल रहे और आप आसानी से इसको बजाना सीख पाए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया पहली काली से इसकी शुरुआत होगी। तो, ओके, तो इसमें पहली लाइन किस तरह प्ले हो रही है, ये इसकी पहली लाइन है। जन गण मन अधिनायक, सभी का जन गण मन सुना हुआ है और सभी ने कभी ना कभी बजाने की कोशिश भी की होगी, लेकिन एक होता है भूल जाते हो या फिर कुछ भी हो जाते हैं, तो मतलब अगर आपको थोड़ा बहुत भी आता है तो ये पक्का करके आप जाओगे। ठीक है, तो जन गण मन सभी ने सुना हुआ है और काफ़ी सुंदर कंपोजिशन है इसकी, जो आपको भी पता है और मुझे भी पता है। तो शुरुआत करते हैं, जैसे सभी को एकदम बेसिक जानकारी बता दो, तो पियानो में स्केल अलग अलग होते हैं, मतलब अगर मैं यहाँ से प्ले करूँगा तो जो आवाज़ होगी वो मध्य होगी, मीडियम होगी, यहाँ से प्ले करूंगा तो एकदम मोटी आवाज, यहाँ से प्ले करूंगा तो एकदम ऊंची आवाज, जैसे आपको सभी को पता है। तो हम यहाँ से प्ले बीच में से प्ले करने की कोशिश करेंगे क्योंकि सभी की आवाज़ लगभग यहीं पे होती है, 50 से 60% लोगों की या 70-80% लोगों तक की यहीं तक आवाज़ होती है और यहीं से गाते हैं। तो आप कहीं से भी कोई भी गाना निकाल सकते हो, कि कोई भी धुन प्ले कर सकते हो। मैंने जन गण मन यहाँ से प्ले करूंगा और आप कहीं से भी प्ले कर सकते हो, जैसे यहाँ से ट्राई करें तो कहीं से भी, इसलिए वो अलग बात होती है। आप जितने ज़्यादा गाने प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको पता चलेगा सुरों का, और फिर धीरे धीरे आप कोई भी गाना कहीं से भी प्ले कर सकोगे। वापस आते हैं हम अपने राष्ट्रीय गान के ऊपर। पहला पार्ट जैसे मैंने आपको बताया, पहली लाइन एक बार फिर से, ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो इसमें हमने यूज़ किए हैं 1, 2, 3, 4 और ये 5। खाली इन 5 ही स्रों को आप अपने ध्यान में रखिए, 1, 2, 3, 4 और ये 5। किस तरह, अलग अलग भाग करेंगे, पहला भाग, फिर पहली लाइन कंप्लीट। हो सके तो आप यहाँ तक पॉज करके फिर अपने किसी भी इंस्ट्रूमेंट में प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं बाद में एक बार फिर से। ऐसे प्लेबैक स्पीड कम करके भी देख सकते हो, स्लो में सही से समझिए और सही से समझिए कि भाई मेरी फिंगर मूवमेंट क्या है, या फिर बाद में आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस कीजिए। जहाँ पे आपसे मतलब शुरू में मिस्टेक होगी वहाँ पे आपको खुद को टाइमिंग का ज़्यादा पता चल जाएगा, क्योंकि टाइमिंग का बेसिकली पता तभी चलता है जब आप किसी भी को ध्यान से सुना हो, किसी भी जो आप प्ले कर रहे हो उसी संगीत को आपको ध्यान से सुना हो। लेकिन राष्ट्रीय गान सभी का सुना हुआ है, मैंने आपको एक तरीके से डायरेक्शन दी, आप खुद प्रैक्टिस कीजिए, कहीं पर भी गलती होगी तो आपको खुद को महसूस होगा और खुद ऑटोमेटिक किसी चीज़ को करेक्ट कर लोगे। ओके, तो ये लाइन एक बार फिर से, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन। क्लियर, इसके बाद में कैसे, इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
इन 700 का इसमें यूज हुआ, जैसे आप देख सकते हो अलग अलग भाग करेंगे किस तरह, यहाँ से शुरुआत होगी, यहाँ से डायरेक्ट चौथी काली के ऊपर, ये पहली काली फिर डायरेक्ट चौथी काली, 1 2 3 4 5 पांच काली है, एक एक सप्तक में, एक इधर फिर सेम इधर फिर आगे। ओके तो इसमें वापस टाइमिंग आप देखो तो एक ही सुर के ऊपर टाइमिंग के हिसाब से, शब्दों के हिसाब से मतलब मेलोडी इसमें प्ले हुई है। एक बार पहला भाग अलग अलग भाग करके देखेंगे किस तरह, बहुत ही आसान, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार। किस तरह 1 2 3 जैसे मैंने आपको सुर बताया उसी के ऊपर अलग अलग मैंने आपको भाग करके भी समझा दिया, एक हल्का कॉर्ड भी ले सकते हो, इसके बाद में आगे होता है। तो होप आप यहाँ तक सीख गए होंगे दोनों लाइन, अगर आप सीख गए तो आगे की तरफ बढ़िए, नहीं पीछे करके आप वापस इसको सही से समझ सकते हो। ओके तो अगली लाइन किस तरह, यहीं पे इसकी मतलब अगली लाइन यहीं पे एंड हुई और यहीं से फिर वापस स्टार्ट होगी, ठीक है। इसमें कैसे 1 2 3 4 5 6 छह सुरों का इसमें जो है 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो किस तरह पहला भाग कैसे स्लो में देखेंगे, फिर इसमें 2 सुर, फिर पूरे को साथ में, क्लियर यहां तक क्लियर। इसके बाद में कैसे, इसको बाद में देखेंगे। सभी लाइनों का अलग अलग, फिर उसमें भी अलग अलग पार्ट करने का मेरा मेन अर्थ ये है कि जिससे अगर मतलब आपको जो दिमाग है इसमें इस धुन के बारे में जो खुल जाए, फिर बाद में आप किसी भी चीज़ को मतलब आपको समझ जल्दी आए कि मतलब खाली इतना ही प्ले करना है। क्योंकि देखो कोई भी काम छोटा हो जाता है तो फिर वो जल्दी होता है, आपको भी मजा आता है, एक बार इतना ही तो कर लेंगे, क्यों नहीं करेंगे। और पूरे धुन भी काफ़ी शानदार है, आप आसानी से प्ले करोगे। मेन आप में खुद में एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए छोटा सा कि मेरे को ये धुन प्ले करनी है, फिर मतलब आप कोई भी कर सकता है बंदा। आपको भी ये छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए और पता है आपको, ठीक है। तो इसमें मैं अलग अलग छोटे छोटे पार्ट कर देता हूँ जिससे आपको सीखने में आसानी हो। फिर आप सभी छोटे छोटे पार्टों को एक लाइन कीजिए, फिर एक लाइन की दो लाइन सीखिए, दो लाइन की तीन लाइन, फिर सभी को एक साथ प्ले कीजिए, फिर देखिए क्या मजा आता है। तो ठीक है अब बढ़ते हैं आगे, आगे किस तरह, इसमें देखो 1 2 3 4 चार ही सुर है, सिर्फ और सिर्फ चार ही सुर, कौन से इसमें कॉर्ड ले सकते हैं, पहली काली, दूसरी और 1 2 3 4 पांचवी काली, ठीक है। फिर इसमें भी 1 2 3 4 चार चार ही सुरों के जो अलग अलग भाग करेंगे, क्लियर। फिर सेम 1 2 3 4, फिर फिर सेम हल्की जो मेलोडी है वो उस तरीके से आ जाएगी जो हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा में हमने प्ले किए थे, किस तरह, ठीक है, किस तरह एक ही सुर पे 1 2 3 1 4, फिर एंडिंग में किस तरह, एंडिंग में जैसे भी आप मतलब इसमें जो इसमें मेलोडी को भी समझ सकते हो कि जो मतलब इसका जो म्यूजिक है
वो ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है मीन्स ऊपर ही जाएगा, ऊपर ही कहीं पे प्ले होगा। तो हम एक एक सुर करके देखेंगे। देखो यहाँ पे आपको सही फीलिंग आएगी अगर आप इसको पूरे को एक साथ प्ले करोगे और खाली आपको एंडिंग करना आए तो। तो आपको यहाँ पे जय है वाली जो लाइन है वो किस तरह, फिर ठीक है, तो किस तरह यहां से शुरुआत होगी पहला भाग, फिर ठीक है एंडिंग किस तरह, वन वन टू टू थ्री थ्री टू थ्री फोर, फिर यहाँ पे एंडिंग में कोड लग जाएगा, कोड दे देना काफी मजा आएगा। ठीक है क्लियर, जय हिंद जय भारत। होप आपको पसंद आए और होप आप इस वीडियो से सीख गए और आपका जो समय है वो एकदम वैल्यूबल रहा हो। ठीक है मेरे से कुछ भूल चुके हो तो माफ़ कीजिएगा, मैं भी आपकी तरह सीख रहा हूँ और धीरे धीरे आपको भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस मिलता हूँ आपसे इस तरीके की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। अपना कमेंट करना मत भूलना, अपने कमेंट्स करना ना भूलना, आपके कमेंट्स काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल रहते हैं और मेरे को भी नया नया आपके कमेंट्स से सीखने को मिलता है और आगे वीडियोस बनाने की वो इच्छा और ज़्यादा होती है और मतलब एक तरीके से सीख मिलती है, समझ रहे ना, समझ रहे ना। तो बस वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वो भी इस म्यूज़िक को और इस राष्ट्रगान को आसानी से प्ले कर सके इस वीडियो के थ्रू। तो बस मिलता हूँ आपसे इस तरीके की एक और नई इंटरेस्टिंग ट्यूटोरियल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।